दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सावलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 8 की गणित के पेपर की। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है, तो गणित का पेपर किस प्रकार को आपको मिलने वाला है, गणित के पेपर की बात करेंगे। आप सभी इस पेपर को ध्यान से देखना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। ऐसे ही प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये गणित का पेपर है, कक्षा 8 गणित का पेपर। आपका समय रहेगा 2.5 घंटे का और कुल पूर्णांक 50। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। 7/16 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो 7/16 का जो योज्य प्रतिलोम, इसका उल्टा हो जाएगा तो 16/7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो अंकी संख्या से गुणा में समूह क्या बनेगा? ये कह रहा है यदि कोई दो अंकों वाली संख्या है, उसको दो अंकों वाली संख्या से गुणा कर दे तो उसमें समूह कितने बनते। जैसे दो अंकों वाली संख्या 99 है, इसको अपन 99 से ही गुणा करेंगे, तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो 4 अंक का आएगा, तो समूह कितना बनेगा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो त्रिभुज बता रखे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये कह रहा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण का मान बराबर होगा, तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसमें प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार भुजाओं से घिरी समतली आकृति को क्या कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी समतली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त, ये परिभाषा याद रखना। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, चार की घन संख्या कितनी है? चार का घन करना आपको, तो घन कैसे करते हैं? चार को चार तीन बार लिखते हैं, 4 × 4 × 4 गुणा करो चार को चार से, 16 × 4 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका पांचवे का आंसर 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वसमिका का उपयोग करके इनका मान ज्ञात करना है। आपको दे रखा 103 और 102, सर्वसमिका का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना। सर्वसमिका का उपयोग कैसे करते हैं? 103 को अपन लिख सकते हैं 100+3 और 102 को लिख सकते हैं अपन 100+2। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हो, और वो ए प्लस एक्स के स्क्वायर से कर सकते हो। सर्वसमिका होगी x² + 2ab + ab, है ना। इससे अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आप कर लेना 103 × 102 सर्वसमिका का उपयोग करके। x² बता देता हूँ मैं आपको, सर्वसमिका होगी आपकी x² + 2ab, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा प्लस ab। ठीक है, x इसमें 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab कितना है? 2 × 3 और प्लस ab आ जाएगा 3 × 6, तो 6 × 3 × 6 × 6 = 12, तो ये आ जाएगा इधर 10,000 प्लस ये 12 और प्लस ये 6, इन सबको अपन जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उन सम बहुभुजों के नाम बताओ जिनमें 6 भुजाएं हैं और 8 भुजाएं, इनके केवल नाम पूछा है। तो सम 6 भुजाएं उसको तो कहते हैं अपन षष्ठभुज, और 8 भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं? अष्टभुज। अगर 5 भुजाएं हैं तो उसको क्या कहें? पंचभुज कहते हैं, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट, 8वां सवाल, समीकरण को हल करना है, इसमें आपको x का मान निकालना है। सिंपल है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मानो फिर क्रॉस गुणा करो, यह आ जाएगा आपका 2x बराबर x + 6। ये x इधर आएगा तो 2 में से माइनस में बदल जाएगा, 2x - x बराबर कितना? 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो x की वैल्यू निकालने आपको 6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1:4 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में सिंपल है, 1:4 यानी 1/4 × 100 करेंगे तो 100 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो ये 25% आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलना सिंपल है, और ये भी आपका सिंपल आंसर है। नेक्स्ट, बहुफल के लिए आयलर सूत्र लिखना है। आयलर सूत्र होता है आपका f + v = e + 2 होता है, ये आयलर सूत्र होता है, ये आपको याद रखना। f + v = e + 2 होता है, जिसमें f आपका फलक है, v आपके शीर्ष और e है आपका किनारा प्लस 2, ये सूत्र आपको याद रखना, f + v = e + 2। नेक्स्ट, सरल कीजिए, चरस वाले इसको सरल करना, सरल कैसे करना देखना। 2 की घात 2 × 3 की घात 3, फिर आ रहा है कोष्टक, इनकी घात 2 आ रहा है, एक बार इनको चाहो तो इनको हल कर सकते हो। 2 की घात 2 कितना होता है? 2 × 2 = 4, है ना। 3 की घात 3 कितना होता है? 3 को 3 बार लिखो, 3 × 3 × 3 यानी 27, ये आ जाएगा 27। 27 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108,
108 का स्क्वायर, यानी फिर अपन 108 को दो बार गुणा कर देंगे, 108 इंटू 108, तो आपका आंसर आ जाएगा 11664 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 11664 ये। नेक्स्ट 12वां सवाल है, समीकरण को हल करना, इसमें भी x का मान ज्ञात करना आपको, x का मान ज्ञात करना, क्या करना, इसका क्रॉस गुणा करो, इसको इससे क्रॉस गुणा करो, इसको गुणा करेंगे 8x+3 को x माइनस 5 से, और 2x गुणा कर लेते हैं, 8x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8x² + 40x, फिर करेंगे 3x और -15 बराबर, इधर भी करेंगे 4 को 2 से, 4 2 8x² माइनस 4 चौक 16x, फिर 4 2 8x प्लस का, और फिर 8x² और ये आ जाएगा माइनस का 16x, ठीक है। फिर इनको अपन पक्षांतर करेंगे और x का मान इसमें आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, और दर दे रखी है आपको इसका ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। इसमें क्या है कि मूलधन अपन को पहले तो अपन लिखते हैं जैसे 15,000 रुपये का 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज देगा, लेकिन इसमें मूलधन आपको 4x² मानना है, समय आपको 5x मानना है, और r5/2 दे रखी है, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना वही सूत्र मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 या PTR/100 होता है। तो ये P तो है अपन लिखेंगे यहाँ पर 4x², इसको मूलधन इंटू ये है आपका 5x समय, और यह है आपका 5y दर, अपन क्या था 100, अब इसको काटना है, 100 में 4 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, 25 बार, ठीक है, 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, और 5 से 5 कट गया, हमारे पास बचेगा x² और इधर x, और ये बचा y, तो इसको गुणा करेंगे x² को x से तो x क्यूब को y से गुणा करेंगे तो y, तो x³y इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भाग देना है, सिंपल है, इसका भाग इसमें दे देना है, 28 का भाग 3987 में आप दे दोगे। नेक्स्ट सरल करना है, दो कोष्टक दे रखे हैं इनको सरल करना है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक कोष्टक को दो बार लिखो, 2x+7, और इसको लिखा 2x+7, फिर करो इधर 9x 3x, और इधर करो 9, फिर इनको गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 6x², और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो प्लस का 21x इधर आएगा, ये है आपका 9 को 2 से गुणा करेंगे प्लस का 18x, और 9 को 7 से गुणा करेंगे 63 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 115 है, तो वह बहुभुज कौन सा होगा, अंतःकोण का मान दे रखा है 115, अपन को पता है अंतःकोण और बाह्यकोण का मान कितना होगा 180, तो बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 180 में से 115 आपको घटाना है, यह आ जाएगा आपका 5, और इधर आ गया 6 65, बाह्यकोण कितना आ गया 65 आ गया, अब आपको भाग देना 360 में 65 का भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी भुज आएगी वो आपका समबहुभुज हो जाएगा, 5 के 12 से काटो 13, यह आ जाएगा आपका 7 2 5 35, 5 2 10, 13 6 72, तो षष्ठ भुज आ जाएगा, कितना आ जाएगा षष्ठ भुज आ जाएगा, तो वो आकृति आपकी षष्ठ भुज है। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 115 दे रखा है, तो उनको बाह्यकोण निकालना है, तो अंतःकोण और बाह्यकोण का मान कितना होगा 180 होगा, तो 180 में से 115 निकाला 65 आ गया, फिर अपन 360 में बाह्यकोण का मान का भाग देंगे तो आपका वो कौन सी भुजा का कितनी भुजा का बहुभुज वो आएगा, तो इसमें षष्ठ भुज आ जाएगा। 3 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, 3 + 4 7/2 हो जाएगी, फिर 7/2 + 3 करेंगे जो भी योग आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, इस प्रकार आप 3 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 18वां सवाल, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, 10y + 6y + 21 और 5 और ये है 2y + 7, इनका भाग देना है, तो इसमें अपॉन में लिख दो 5 + 2y + 7, 5 का भाग दो 10 में 2y आ जाएगा, ठीक है, ये 2y + 7 का भाग 2y से इसमें देंगे 3y और ये 7 का भाग 3 में आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 2y और इधर 3 + 7 = 21 आ जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रमेश के पिता की आयु, रमेश से 27 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पिता की आयु का अनुपात दोनों पर 3 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको रमेश की आयु x माननी है, तो उसके पिता की आयु x + 5 हो जाएगी, माना कि वर्तमान आयु रमेश की आयु कितनी माननी है अपन ने x, रमेश की मानी x, तो पिता की कितनी हो जाएगी x + 5, पिता की आयु x + 5 हो जाएगी, ठीक है, रमेश की आयु नहीं, रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है,
तो रमेश की आयु एक्स है तो उसके पिता की आयु एक्स प्लस 27। एक बार तो आएगा एक्स प्लस 27। माना कि रमेश की आयु एक्स है तो उसके पिता की आयु जाएगी एक्स प्लस 27। अब वो कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो इसमें भी 5 करेंगे और इसमें भी 5 करेंगे। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 27 और 5 32 बराबर कितना है? 2:3, 2/3। अब आप इसको क्रॉस गुणा करके एक्स का मान निकालोगे। 3 को x से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा इसको एक्स प्लस 5 अपॉन में है आपका एक्स प्लस 32 बराबर 2:3 यानी 2/3। गुणा करो, क्रॉस गुणा। 3 को x से गुणा करें 3x प्लस 3 को 15 से गुणा 5 से गुणा 3 से 15 5 3 15 बराबर यह आ जाएगा 2 को x से गुणा किया 2x 2 को 32 से गुणा करो तो यह आ जाएगा 64। अब एक्स इधर आएगा 3 में से 2 गया तो एक्स एक्स बराबर आ जाएगा 64 में से 15 गया आपका 64 में से 15 निकालेंगे अपन तो ये आ जाएगा 14 में से 5 किया तो 9 और ये 2 आ जाएगा 49। तो एक्स की तो आ गई 49। एक्स क्या मानी थी आपने? रमेश की आयु। तो रमेश की आयु तो 49 वर्ष और उसके पिता की आयु 49 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगी 53 वर्ष। 49 और 53 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20वां सवाल, समय और दूरी के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करने वाला आलेख खींचना। ग्राफ बनाना समय और दूरी का। इस ग्राफ बनेगा इधर तो x है इधर y है। पैमाना ले सकते हो, इधर समय में ले लो यहाँ से 0, 2, 4, 6, 8, इधर ले लो 10, 20, 30। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा ऐसा सीधी रेखा में प्राप्त होगा, ये आपका समय दूरी का ग्राफ। 21वां सवाल, चतुर्भुज KLM की रचना करनी है आपको, जिसमें KL 4.8 यानी एक चतुर्भुज बनाना आपको ऐसा, ठीक है। स्केल और प्रकार की सहायता से इसको नाम दे देते KLMN। ये कह रहा KL है, ये 4.8 आपको स्केल से खींचनी है। LM है आपका 5. KL 5.0, MN 3.8। कोण L है आपका 72 डिग्री तो ये 72 डिग्री आपको, और कोण M है आपका 105 डिग्री आपको चांदे की सहायता से ये कोण बना के इसे चतुर्भुज की रचना कर दें। नेक्स्ट, किन्हीं संख्या के 5 गुणे के दुगुने से 48 अति के तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक है। माने वह संख्या x है ना, वह संख्या क्या माने अपन x, x का 5 गुना यानी इसको 5 से गुणा करो 5x इसके दुगुने से 48 अधिक है। दुगुना कितना होगा इसका? 2x प्लस 48 x का मान ज्ञात करना। यह आ जाएगा 5x माइनस 2x, 5 में से 2x किया 3x बराबर कितना है? 48 तो x बराबर आ जाएगा 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना, माना उस संख्या को मानना जैसे सवाल के वैसे आपको समीकरण बना ली। ये कह रहा है किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक है। तो हमारा ये संख्या x है, x का 5 गुना 5x बराबर उसके दुगुने यानी x का दुगुना कितना? 2x प्लस 48 प्लस 48 फिर आप अक्षांतर कर लो, 2x इधर आएगा 5 में से 2 गया 3x, 3x बराबर 48 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। नेक्स्ट गुणनखंड करो। 23वां सवाल, गुणनखंड क्या करना? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके गुणनखंड करने। तो गुणनखंड के लिए आपको बीच वाली संख्या कैसे दो टुकड़े करने, जोड़े या घटाए तो 5x आ जाए और गुणा करें तो बाह्य पदों का गुणन। तो इसका टुकड़ा कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6। ये इसमें x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और इसमें x कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3। ये दोनों कोष्टक सेम बन गए, इसके गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। x की घात 4 और y की घात 4 इसके भी गुणनखंड करने आपको। तो ये इसको पहले बदलेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाली सरसमिका लग जाएगी। नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड करने 373 के और इनके वर्गमूल आपको ज्ञात करने। वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाने, जैसे 373 है तो इसमें अपन भाग देंगे और जो भी आएगा जैसे इसमें भाग दे रहे पर 7 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। 7 का भाग दें, 7 चौक 28 और 7 अभाज्य गुण वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। 7 चौक 28 हो गए, उसके बाद इसमें 6, 7, 63 फिर 7 का भाग देंगे तो 49 में 7 बार फिर 7 का देंगे एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार दो दो के जोड़े बना के इसके वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनको गुणा करना 99, 98, 97 का एक साथ आप गुणा करके इनका आंसर लिख सकते हो। इस प्रकार दोस्तों ये गणित का पेपर था,
और नेक्स्ट बात करेंगे अपन आगे और बाकी पेपरों की। आप इस पेपर को देखना है, सवाल इनके करना, अगर आपको कोई समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।